Hello students, welcome back to continue the chapter living organisms and their habitats, सजीव और उनके आवास। तो आज हम इनके आवासों और इनकी adaptations यानी अनुकूलन के बारे में और जानेंगे। जैसा कि लास्ट वर्कशीट और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हैबिटेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या स्थलीय आवास। नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लांट्स और एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, उनके हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या स्थलीय आवास कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डेजर्ट रेगिस्तान, माउंटेन रीजन्स पहाड़ी इलाके, ग्रासलैंड्स घास के मैदान और जंगल फॉरेस्ट। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं, पानी में ही उनका जीवन पनपता है, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक। उनके हैबिटेट को उनके आवास को कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट या जलीय आवास। इनके एग्जांपल्स में आपके आएंगे तालाब, झीलें, नदियां, ओशन, समुद्र है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, ओशन है एंड रिवर्स। फाइन, सो एक और चीज आज जो हम नहीं जानेंगे वो है अडैप्टिव फीचर्स या अनुकूलन विशेषताएं। सो अब अडैप्टेशन और अनुकूलन की बात भी हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं कि अनुकूलन या अडैप्टेशन का क्या मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके शारीरिक कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे फीचर्स नेचर उसे प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई फिश है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर सकती है, वाटर जो है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, दैट्स व्हाई इट कैन लिव इन वाटर। वो अपने सारी जितनी एक्टिविटीज ना, लाइफ की एक्टिविटीज वो पानी में करती है। बट क्या हम पानी में रह सकते हैं? क्या हमारा हैबिटेट एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, बताइए? यस, वी आर लैंड एनिमल्स। हमारा जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है, हम स्थलीय जीव हैं, हम पानी में नहीं रह सकते, हमारा हैबिटेट एक्वेटिक नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर पानी में रहने के लिए जो नीड्स हैं, जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे में एब्सेंट है, हमारी बॉडीज में नहीं है। फिश में है, फिश के अंदर गिल्स होते हैं सो दैट कि वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है उसे ब्रीद इन कर सके, उसे सांस द्वारा अंदर ले सके। हमारे पास लंग्स हैं, हम कौन सी ऑक्सीजन ले सकते हैं जो इस एयर में घुली हुई है, एयर में डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन हम ब्रीद इन नहीं कर सकते, हमारे लंग्स ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे। दैट्स वाई जब हमें पानी में डुबोया जाता है तो थोड़ी देर के बाद ही, मतलब आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ही हमें ऐसा ब्रीदिंग ट्रबल फील होने लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे और एंड वी ट्राई टू कम आउट। अदरवाइज अगर ऐसा हो तो पर्सन वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है पानी में ही अगर किसी को डुबो दिया जाए। सो क्यों? क्योंकि वो वहां रहने के लायक नहीं है। ऐसे ही कैमल है, कैमल के अंदर आपने देखा है कि उसकी, उसके भी फीचर्स के बारे में हम आगे वर्कशीट्स में बात करेंगे। कैमल जो है उसको डेजर्ट का किंग भी कहा जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट में रहने के लायक है। हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है डेजर्ट पे चलना, क्या हम 4-5 दिन तक भूखे प्यासे रह सकते हैं? एक ही बार सारा खाना स्टोर कर लिया एंड देन 4-5 डेज तक हमें वाटर भी नहीं मिलेगा, फूड भी नहीं मिलेगा, विल वी बी एबल टू लिव? नो, क्योंकि हमारे अंदर वो फीचर्स नहीं है। फाइन, सो इसी तरह से आज हम जो पर्टिकुलरली बात करेंगे वो है डेजर्ट प्लांट्स की, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में किस तरह के फीचर्स होते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जल में पाए जाने वाले पौधे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। इनकी जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैक्टस इसका एग्जांपल है एंड यू कैन सी इन द पिक्चर कि इनकी जो जड़ें हैं वो लंबी हैं, लॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, सो बहुत नीचे जाकर के इन्हें पानी मिलता है, दैट्स व्हाई इनकी रूट्स अपने आप को ग्रो कर लेती हैं और जहां तक जितना नीचे जा सके पानी मिल सके ये पानी वहां से एब्जॉर्ब कर सके, दैट्स वाई इनकी जड़ें लंबी होती हैं। इनकी जड़ें छोटी होती हैं बिकॉज दे हैव टू फ्लोट, ये पानी पर तैरते हैं। ज्यादातर जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं वो उस पर तैरते हैं, तो तैरने में छोटी रूट्स जो है वो हेल्प करती हैं। सेकेंड है, इनकी जो लीव्स हैं डेजर्ट प्लांट्स की, इनकी लीव्स छोटी और नीडल टाइप की होती हैं, सुई रूपी होती हैं, क्योंकि लीव्स के थ्रू सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पानी का लॉस ट्रांसपीरेशन भी होता है। ऑलरेडी डेजर्ट में पानी कम है इन लोगों के पास, इन प्लांट्स के पास, सो अगर पत्तियों से, लीव से ट्रांसपीरेशन होने लगा, वाष्पोत्सर्जन होने लगा, तो पानी और कम हो जाएगा। दैट्स वाई लीव्स जो है वो नीडल टाइप की हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। अब लीव्स हो गई छोटी तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए इनके स्टेम जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल जो है, जैसे आप पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सो वो इनके स्टेम में होता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कर सके और अपने पौधे के लिए भोजन बना सके। एंड द लास्ट इज इनकी स्टेम, इनकी जो तना है उस पर मोम की परत होती है कवर्ड विद वैक्स, ताकि आपने देखा कभी बेटा हम बॉडी पे जैसे ऑयल लगाते हैं उसके ऊपर आप पानी डालो तो पानी उस पर स्टिक नहीं करता, बिकॉज ऑयल के ऊपर से वाटर जो है वो फ्लो कर जाता है।
इसी तरह से इनके ऊपर भी वैक्स टाइप की एक सब्सटेंस की लेयर होती है, मोम जैसे सब्सटेंस की, जिससे कि पानी इनके अंदर से लूज ना हो सके। पानी को बचाने के लिए इनकी स्टेम्स जो है वो वैक्स जैसे मटेरियल से कवर होती है। एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैक्टस। इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स या जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, छोटी रूट्स, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनकी स्टेम्स जो है वो लाइट, हल्की और खोखली है, पूरी भरी हुई नहीं होती। जैसे पाइप होता है अंदर से, आप देखते हैं ना, खाली है, हॉलो है। क्यों? सो दैट कि उससे ये लाइट वेट हो जाए, और लाइट वेट कोई भी चीज होगी तो वो पानी में उन्हें तैरने में, फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। इनकी रूट्स जो है वो प्लांट को पकड़े रहती हैं, और उसे नीचे जो बेस है पॉन्ड का, लेक का, रिवर का, जहां भी ये पाए जाते हैं उसके बेस के साथ इन्हें ये पकड़े रखती हैं मजबूती से। दूसरी बात, लीव्स जो है, अब जैसे इसकी स्टेम पर वैक्स की लेयर थी ना, मोम की परत थी, इनकी लीव्स में होती है। ये भी एक डिफरेंस है कि दोनों के पास वैक्स की लेयर है, लेकिन दोनों के रीजन अलग हैं, और दोनों के जो ऑर्गन जहां पर वैक्स की लेयर है वो भी अलग है। इनकी स्टेम कवर्ड है वैक्स की लेयर से ताकि पानी का लॉस ना हो। इनकी लीव्स के ऊपर मोम के जैसे पदार्थ की एक परत है, ताकि जो पानी के अंदर इन्होंने रहना है, तो पानी के अंदर जैसे आप अपना हाथ, हम कई बार बहुत देर तक पानी में डालते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो आप देखते हो कैसे रिंकल से आ जाते हैं। तो बहुत देर तक अगर हम पानी में रहेंगे ना, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। सो इसी तरह से इनको पानी से कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इन्होंने रहना ही पानी में है, इसलिए इनकी लीव्स पर वैक्स की लेयर होती है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर, और यहाँ पर क्या है, टू सेव वाटर। दोनों के रीजन अलग हैं, इन्होंने पानी को बचाना है, इन्होंने पानी से बचना है। फाइन, दोनों के ऊपर वैक्स की लेयर है, इनकी स्टेम पे और इनकी लीव्स पे। एंड जो आज की आपकी वर्कशीट है, दैट इज वर्कशीट 24, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ आपके लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको चार एनिमल्स की, चार ऑर्गेनिजम्स की फोटोज और पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनमें कलर करना है। सो आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग हो गया, ड्राइंग आ गई बीच में, है ना, कलरिंग करनी है, और उनके हैबिटेट्स बताने हैं, उनके आवास के नाम बताने। तो सबसे पहले है आपका लॉयन, शेर, कहाँ है, टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है? बढ़िया, आसान सी बात है मैम, जंगलों में होता है। लैंड है, स्थल है, तो स्थलीय आवास है इसका, या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। दूसरा है आपका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दूसरा है आपका कमल, लोटस, अभी हमने बात कर ली है, सामने लिखा भी हुआ है, दैट इज एक्वेटिक प्लांट, पानी में पाया जाता है। थर्ड नंबर पर आपकी है फिश, मैम इसमें तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो एक्वेटिक है, पानी में ही पाई जाती है ना, बाहर निकालो तो मर जाएगी, और अगर हम इसे घर में रखना है तो हमें इसे एक्वेरियम में रखते हैं, यानी पानी जैसा एटमॉस्फेयर, पानी देते हैं इसे। एंड द फोर्थ इज, अभी हमने जिसकी बात की, ऊंचा लंबा सा ऊंट, कैमल। कैमल कहाँ पर पाया जाता है? डेजर्ट में, है ना। वैसे आपको यहाँ पे अपने आसपास भी कई बार देखने को मिल जाता होगा, कहीं मेले या फेट्स वगैरह में, बट डेजर्ट भी किस टाइप का है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, स्थलीय आवास है। सो दिस इज हाउ लॉयन एंड कैमल, शेर और ऊंट जो है ये स्थलीय आवास वाले जीव हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। एंड लोटस और फिश, यानी कि कमल और जो मछली है, ये जलीय आवास वाले पौधे हैं। सो तब तक, जब तक हम नहीं मिलते अगली वर्कशीट, अगले वीडियो तक, आप पढ़ते रहिए, वर्कशीट को अच्छे से करिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स टाइम पे सबमिट करिए, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, क्वेरीज और सजेशन, पोस्ट इन कॉमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।